तुम कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स मी सादिया हसनैन। आज मैं आप लोगों को अपनी लैशेस कलेक्शन दिखाने लगी हूँ कि मेरे पास किस किस तरह की लैशेज हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लैश आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ अपनी, ये सारा एंड ओलिवर 12D लैशेज हैं ये, ठीक है। आप लोग लैश देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लैशेज हैं। आगे से जो है वो छोटी हैं, पीछे से जो है वो थोड़ी सी बड़ी हैं। इस तरह आप लोग देख लें, इंशाल्लाह ये मैं आपको लगा कर भी दिखाऊंगी। और इसका नंबर है 004, तो ये हाथ से बनी हुई है, ठीक है। इसकी बैक साइड पर कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो आप लोग जो है वो इस तरह की प्रोफेशनल आई लैशेज ले सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को जो है वो अगली लैश दिखा देती हूँ। अगली लैश हमारे पास कुछ इस तरह की है, तो आप लोग देख सकते हैं ये भी यही कंपनी और 004 है इसका नेम भी, और ये भी कुछ इस तरह की बनी हुई, ऊपर को ये उठी हुई है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को जो है वो अगली अपनी ये वाली लैशेज दिखा देती हूँ। ये भी बहुत मेरी फेवरेट और ख़ूबसूरत लैशेज हैं। ये बहुत ही सिंपल एलिगेंट सी लैशेज हैं। आप लोग आम रूटीन में या फिर कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं सिंपल लुक करके, तो तब आप लोग ये लगा सकते हैं। इसका नाम है ब्यूटी पार्लर और हैंडमेड आई लैशेज है। ये 3D लैशेज हैं, ठीक है। ये जो है ये 3D लैशेज हैं और इसका नंबर है 05। तो बाकी पीछे से जो है ये इस तरह की बनी हुई है फैशन आई लैशेज, और बाकी इसका नेम जो है वो ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। और ये यहाँ से जो है ना ये शीट नहीं लगी हुई इसकी, यहाँ पे आप लोग इस तरह करके जो है वो निकाल सकते हैं। और ये मैंने लगाई भी हुई है, तो मैं आप लोगों को तो जो है वो शेयर भी करूँगी। ये देख सकते हैं ज़्यादा हेयर इसमें नहीं है, तो बहुत ही हल्की फुल्की सी है, आप लोग इसे आम रूटीन में भी लगा सकते हैं। और जो मैंने वो दिखाई है दोनों, वो जो है वो आप लोग पार्टी वगैरह पर कहीं जा रहे हैं, मतलब बहुत ही हैवी मेकअप किया हुआ है, उसके साथ आप उसे लगा सकते हैं। अगली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये वाली लैशेज। ये भी बहुत प्यारी अंजीर कंपनी की लैशेज हैं, और पर जो इसका पैकेजिंग है वो चेंज है, 5D लैश है ये। और इसकी लैशेज आप लोग देखें, बहुत प्यारी लैशेज हैं। ये लैशेज भी जो है मैंने ट्राई की हुई हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में, सुपर फैशन लैशेस। उसके बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का। अगली लैशेस जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये कुछ बहुत ज़्यादा हैवी लैश है, ब्राइडल लैश कह लें, या फिर आप इसे जिस तरीके से भी आप इसे कहना चाहें कह सकते हैं। बाकी शौक अपना अपना होता है, और आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो है वो लैश अप्लाई कर सकते हैं। और इनका नाम जो है, इसका नाम आप लोग यहाँ से ये देखें पढ़ लें, क्रूसी करके कोई नाम है, पता नहीं सही हम प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। और नंबर है 8C17, ठीक है। आई लैश ये बहुत ही डिफरेंट आई लैश। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ ये वाली लैश, तो ये लैश है फैशन लैशेस, 5D लैशेज है, ठीक है। और 04 इसका नंबर है। उसके बाद आप लोग ये लैशेज भी देख लें, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत हैवी हैं ये भी, और पीछे से भी कुछ ये इस तरह की नज़र आती हैं। तो अब जो है वो हम इसका देख लेते हैं डेमो, तो मैं आप लोगों को जो है वो ये अप्लाई करके भी दिखा। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी लैशेस को इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर से जो है वो कट कर लेना है, मेजरमेंट करने के बाद अपनी आईज़ की, और फिर आईज़ के ऊपर उसको रखना है, और उस पर जो है वो 30 सेकंड्स के लिए लैशेस पर जो है वो ग्लू लगानी है, ग्लू अच्छी वाली होनी चाहिए। उसके बाद उसको ड्राई करना है 30 सेकंड्स के बाद, इसे जो है वो लैशेज पर रखना है अपनी रियल लैशेज पर, और पहले दरमियान से स्टक करना है, फिर इनर कॉर्नर से और आउटर कॉर्नर से स्टक करने के बाद वो अच्छी तरह चिपक जाएगी, और फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है वो फाइनल रिजल्ट है तो अच्छी होनी चाहिए। ग्लू मैंने जो शेयर की है हुदा ब्यूटी की, वो बहुत अच्छी है, और क्रिस्टीन की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आप लोग जो है ये वाली ले सकते हैं। हुदा ब्यूटी की जो है वाटर प्रूफ है, वाटर से भी नहीं मतलब कि उतरती, मेकअप रिमूवर से उतरती है, तो बहुत ही अच्छी ग्लू है। उसके बाद आप लोग लैशेज देख सकते हैं, बारी बारी मैंने सारी लैशेज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो ज़रा सी भी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसे ही मेरी वीडियो को जो है वो सपोर्ट करते रहें। आप लोग देख सकते हैं कि सब स्टाइल्स जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं पहन पहन के, लगा लगा के, तो मेरे में जो आईज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उसके बाद, क्योंकि हुदा ये जो मैंने लैश इस्तेमाल की थी ग्लू, ये वाटरप्रूफ थी, और उसके बाद लैशेस का जो था वो बहुत बुरा हाल हो चुका था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का लगा है आप लोगों को मेरी ये लैशेज का कलेक्शन। तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ऐसे ही मुझे आप कंटेंट बताते रहें और मैं बनाती रहूँगी। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे मत भूलना।